हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी साइंस विथ वीके। आज हम बात करेंगे ब्लड के बारे में, जिसमें हम ब्लड का डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन और उसका फंक्शन कवर करेंगे। इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ प्रोटीन प्रोटीन पर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देख लें। तो फ्रेंड्स, ब्लड का डिफिनेशन होता है, ब्लड इज ए रेड कलर्ड विस्कस फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच सर्कुलेट्स इन आवर बॉडी एंड इट इज मेनली कंपोज ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल। इसका मतलब होता है कि ब्लड जो है वो रेड कलर विस्कस लिक्विड होता है, जो कि हमारे बॉडी में सर्कुलेट करता है, और ये इसमें मेनली प्लाज्मा और ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज भी होते हैं, जिसमें पहला है कि ब्लड जो होते हैं वो रेड कलर के विस्कस लिक्विड होते हैं। विस्कस लिक्विड का मतलब फ्रेंड्स चिपचिपा। ठीक है, सेकेंड करेक्टरिस्टिक्स है इसका, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड इज फ्रॉम 4.5 to 5.5। ब्लड का जो विस्कोसिटी होता है वो 4.5 से लेकर 5.5 तक होता है। थर्ड करेक्टरिस्टिक्स है इसका, द ब्लड कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट। हमारे शरीर में जो हमारा बॉडी वेट होता है उसका 8% भाग जो होता है वो ब्लड का होता है, मतलब टोटल वेट का 8% जो है वो ब्लड का वेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, टेम्परेचर ऑफ ब्लड इज 38 डिग्री सेल्सियस। मतलब हमारे ब्लड का जो टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर, वो 38 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला करेक्टरिस्टिक्स है, ब्लड इज स्लाइटली हैवियर देन वाटर। मतलब ब्लड जो होता है वो वाटर से थोड़ा हैवियर होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कंसेंट्रेशन ऑफ सेल्ट NaCl इन द ब्लड इज अबाउट 0.85 to 0.9%। मतलब हमारे ब्लड में जो सेल्ट का कंसेंट्रेशन होता है वो होता है 0.85 से 0.9% तक। और नेक्स्ट पॉइंट है, द टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी इज अबाउट 5 to 5.5 लीटर। एक ह्यूमन बॉडी में टोटल ब्लड का जो अमाउंट होता है वो 5 लीटर से 5.5 लीटर तक होता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पीएच ऑफ ब्लड इज 7.45 to 7.55। ब्लड का जो पीएच होता है वो कितना होता है, 7.45 से 7.55। अब हम आगे बढ़ते हैं ब्लड के फंक्शंस की ओर, है ना। तो ब्लड का जो पहला फंक्शन है वो क्या है, ना ब्लड हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट गैसेस फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यूज, O2 फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स CO2। मतलब ब्लड जो होता है वो क्या करता है, हमारे शरीर में गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। ये क्या करता है ना, लंग्स से टिश्यू को O2 को लंग्स से टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट करता है, फिर टिश्यूज से लंग्स तक CO2 को लाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को लंग्स से हमारे टिश्यूज तक ले जाता है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे टिश्यूज से फिर से वापस लंग्स तक लाता है। ठीक है, इसका अगला फंक्शन है, ब्लड हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट द एब्जॉर्ब डाइजेस्टिव मटेरियल टू द टिश्यूज ऑफ द बॉडी। ब्लड क्या करता है ना, एब्जॉर्ब डाइजेस्टिव मटेरियल जो होते हैं, हमारा खाना खाने के बाद, हम लोग जब खाना खाते हैं उसके बाद जो मतलब मटेरियल्स हैं जो डाइजेस्ट हो जाते हैं, उसको क्या करता है वो पूरे बॉडी में ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ब्लड एक्ट्स एज व्हीकल थ्रू विच मैनी सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड टू देयर प्लेस ऑफ एक्टिविटी। ब्लड क्या करता है, ब्लड एक व्हीकल का रोल प्ले करता है, जिसमें क्या करता है वो बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जिसको उसके प्लेस तक पहुंचाता है जहां पे वो अपना काम करता है। ठीक है, उसका ब्लड का नेक्स्ट फंक्शन है, ब्लड हेल्प्स टू ड्रेन आउट वेस्ट मटेरियल्स प्रेजेंट इन द बॉडी। ब्लड क्या करता है ना, हमारे शरीर में जितने वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको वो बाहर निकालने में हेल्प करता है। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है, ब्लड हेल्प्स टू रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर। ब्लड क्या करता है, हमारे शरीर में जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट करने के में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट जो है हमारा, ब्लड मेंटेन्स एसिड बेस बैलेंस। हमारे शरीर में जो एसिड बेस का बैलेंस होता है उसमें ब्लड का एक अहम रोल होता है। ब्लड क्या करता है, हमारे शरीर में एसिड और बेस को बैलेंस करता है। ठीक है, इसका अगला पॉइंट है, ब्लड हैव कोगुलेशन प्रॉपर्टी ड्यू टू विच प्रिवेंट्स लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। ब्लड का एक प्रॉपर्टी होता है कोगुलेशन प्रॉपर्टी। कोगुलेशन का मतलब होता है कि थक्का जमना। ठीक है, तो ब्लड में कोगुलेशन प्रॉपर्टी होता है, जिसके कारण क्या होता है ना,
ब्लड जो है जब कहीं भी हमारे शरीर में कटता है तो ब्लड बाहर आता है, तो वो उसके कोगुलेशन प्रॉपर्टी के कारण जो है ब्लड जम जाता है, जिससे क्या होता है हमारे शरीर से ब्लड लॉस नहीं होता। ठीक है, अगला पॉइंट है ब्लड हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट द हार्मोन्स थ्रू आउट द बॉडी। ब्लड क्या करता है हमारे बॉडी में हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। जैसे बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स है जो हमारे पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं ब्लड से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में बताएंगे कि ब्लड में क्या क्या होते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।